सो फ्रेंड्स, मैं और दीपक जा रहे हैं पत्थर लेने के लिए, जो पट्टी होती थी जो पहले घरों पे डाली जाती थी वो लेने के लिए। बिकॉज ऑफ ना मैंने उदयपुर में इतनी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। और उससे जो आप मारवाड़ी रहोगे वो तो उन लोग को पता है कि क्या करते, उससे नहाते हम रगड़ रगड़ के, इसलिए यहाँ पे मुझे दिख गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेके आ जाऊँ। सो चलते हैं, और मैं जा रही हूँ अभी मेरे दुबई वाले रोड पर, और दीपेश मेरा थैली लेके जा रहा है, कहीं हाथ ना जल जाए पत्थर को देख के। चलो 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 बाबू चलो। से इतने सारे डाल रखे किसी ने, सो हमने ले लिए इतने सारे पत्थर। लोग देख सकते हो अब कि मौसम कैसा हो गया। आज के दिन बोला था सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, बट आज बारिश का मौसम हो गया है और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। तो हम लोग कर रहे हैं बेसब्री से बारिश का इंतज़ार, कब आएगी पता नहीं। यहाँ मेरे दादाजी पत्थरों का निरीक्षण कर रहे हैं कि बराबर लाई है कि नहीं, तो उठा के। इनको एक पत्थर पसंद आया चार पत्थरों में से। यहाँ हो रही है मेरे वापस जाने की तैयारी, कर रही हूँ बैग पैक। हाँ देखो फ्रेंड्स, मेरी दादी मेरा हाथ देख रही है। पैसो एक जावरो नहीं था, हाथ में गंज है तो आई कटे भी रास्तो दे ही नहीं ना। रास्तो तो है यो टेवे तो गेट खलियो रही, पासो पर जा ही नहीं नहीं जावे। ये देख फूल भंडार है। हाँ जाए पूरा बॉक्स बने तो को मारे तो थारे देखा मारे नहीं मेहंदी में दियो मारियो थारी है ने थारा दे छोई छे बरोबर सेम टू सेम है। जिमने हाथ पे वेनी लगे जे डावा जिमने हाथ बरोबर है। हां बरोबर ये थारा वालो मारे फूल भंडार बोलियो। हां पण थात वा निकले नहीं मैं कही। हाँ मेरी मम्मी रे तो है कई खबर कटी, मारी मम्मी ने दी हजार रुपया दीदा भी। मैं मम्मी वो से खत्म कितर करना आना ने वंसाना कितर यो नी इना ने वो तो खत्म कितर करना वने मु कई कई ओडी ने का। हां आवे ने अने खाली यु देना सावे अने 10,000 प्रो देवक तो या इसके एक मोह बस अने खत्म कितर करना रे। मेरे दादाजी ने इस दुकान में इतनी सारी मूर्ति बना के रखी हुई है, और मैं और बड़े पापा हम लोग जा रहे हैं जिम ने, तो हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर पे, और बड़े पापा हमें लेने आए हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स हम लोग हुए रेडी और बड़ी मम्मी के घर पे आए, और यहाँ का समोसा खाया नहीं तो कुछ नहीं किया, मीन्स लेला आना ही व्यर्थ है। सो यहाँ से किया नाश्ता फिलहाल, और अब हम जा रहे हैं हमारे KDM मीन्स की खेड़ा देवी मंदिर, जो आज वहाँ पर है खाना। तो दादी मैं दीपेश मम्मी सब लोग जा रहे हैं, सो चलते हैं, आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग चल चल के पहुंच चुके हैं मोलेला, और वो पीछे देखो टेम्पो वो गिरने वाला है, पिकअप अटक चुका है, वो गिर जाएगा कभी भी। तो सारे लोग उतर रहे, पूरा फुल भर के आया है। और मैं KDM मंदिर बताती हूँ आप लोगों को, वो देखो अटक गए ऐसे। वाव अरे नहीं गिरने वाले, तू क्यों डर रहा है? अरे गिरो, मत गिरो, मत गिरो। तो इतनी पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठी है हमारी माता रानी। सो यहाँ से जाएंगे पैदल चढ़ चढ़ के जाना, क्या रखूँ वो गिर रहे है ऐसा दिखाऊँ। वाह सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये दोनों इधर बैठे आराम कर रहे, रोहित की लैंग्वेज में हमारे रेम्बा ले रहे रेम्बा हट गए, पीछे गाड़ी भी रुक गई। इतनी कड़ी मशक्कत के बाद हम तीनों आ गए ऊपर, मेरी मम्मी और दादी तो पता नहीं नीचे ही अटक गई है। और सबसे अच्छी बात आज संडे भी है, और हम लोग आए तो माता रानी की आरती भी हो रही, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। सो चलते हैं ऊपर, दादी और मम्मी का वेट कर रहे हैं, आ जाए फिर ऊपर जाते, फिर माता रानी से आशीर्वाद लेंगे, फिर खाना खाते। तो ये मंदिर और ये गेट है, और यहाँ पे दो सीढ़ी है, इस सीढ़ी से भी आ सकते हो और इससे भी आ सकते हो, दो रास्ते हैं। सो से रपट गए नीचे हम लोग यही रख दे। हाँ मेरा लेके दे, जब लोग निकल रहे चप्पल ले रहा। हाँ खाना वगैरह हो गया, तो हम लोग आए हैं मंदिर परिसर के पीछे। तो यहाँ पर एक बेस्ट बात है कि यहाँ से हमें भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, जो NTD में है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ, दीपेश को देखने की बड़ी इच्छा थी, सो मैं इसको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, आप लोग को बताती हूँ। अभी है फॉग उधर, आपको दिखेगा या नहीं आई डोंट नो, बट मैं दिखाती हूँ।
सो ये आप देख सकते हो कि ये है हमारे वो एनटीडी वाले महादेव, बट फॉग है सो दिख नहीं रहे हैं। देख लिया दीपेश? देखे हाँ हाँ, हर हर महादेव। सो यहाँ पर नदी भी है छोटी सी, और यहाँ से हमारे सब गांव का सबसे बड़ा तालाब है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। आई थिंक, आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तालाब है यहाँ पर, नंद संबंधी है ना रोहित, उसको नंद संबंध बोलते हैं ना, राज संबंध। हाँ, उसका नाम नंद संबंध है। सो इधर से हमारी बनास नदी दिख रही है, जो कि अभी पूरी तरह से सूख चुकी है, और यहाँ पर ईंटें बनती है, सो वो ईंटों की भट्टी है। और ये है पूरा मंदिर पीछे का। अच्छा, फोटो निकालने का मेरे को चिल्ला रहे, तू भी खड़ा रह जा, तेरा फोटो निकालती हूँ, और मेरे टाइम पे तुम सब लोग भाग जाना, ठीक है? निकालते, तेरे भी सगाई के टाइम पे अकेला सोलो भेजना पड़ेगा, इसीलिए नहीं निकालने का। अच्छा, दीपेश ने तो सोलो फोटो निकलवाए हमारे, सोलो पिक्स है ना। तो फ्रेंड्स, रोहित डर रहा हमारा कि इसकी सगाई के टाइम पे फोटो भेज देंगे ये, इसलिए हमसे फोटो नहीं निकलवा रहा है, बट मेरे निकाले काफी अच्छे अच्छे निकाले, सो थैंक यू सो मच ब्रो। तो यहाँ पर मिले हैं मुझे रेखा बुआ सा, जो मुझे, मैं इनके पास में बचपन से बड़ी हुई हूँ। मेरी बेटी, लाडे सर, सुखी रखे, मेरे सुंदर दादा की पोपट, मेरे देवा बा की पोती, ऐसे भाण जैसे मेरी दोई थी, बहुत मिस करती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये इनके साथ में नए दीदी आए हैं, मेरा यूट्यूब है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरी दीदी को। थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, हम लोग उतर रहे हैं अभी यहाँ पे ढलान, और सब लोगों ने खाना खा लिया है, और मेरी दादी ने मेरी परदादी के लिया है प्रसाद, इसलिए हम लोग मिलने जा रहे हैं हमारी दादी से। कौन था वो, मेरे को देखते देखते। तो अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं हमारी परदादी से, जो कि है 105 साल की। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरी दादी ना 117 साल जीने वाली है, मीन्स 105 साल की तो है, 12 साल और जीने वाली है। पता नहीं वो सच बोल रहे हैं या झूठ, आई डोंट नो, बट देखते। 105 साल की तो हो ही गई है मेरी दादी। सब लोग बोलते कि एक बार ना अपनी उम्र ना चढ़ती रहती है, तो चढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मीन्स कम नहीं होती है। उन्होंने बोला है तो सच ही बोला होगा पंडित जी ने। लेट्स सी क्या होता है, अब या झूठ आई डोंट नो, बट देखते। 105 साल की तो हो ही गई है मेरी दादी। सब लोग बोलते कि एक बार ना अपनी उम्र ना चढ़ती रहती है, तो चढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मीन्स कम नहीं होती है। उन्होंने बोला है तो सच ही बोला होगा पंडित जी ने। लेट्स सी क्या होता है। और मैंने रोहित को मेरी वीडियोस बनाने के लिए बोला था, एक बनाई थी, वो भी ऐसे आधी अधूरी बना के भाग गया, पता नहीं उसको क्यों शर्म आ रही थी मेरी वीडियोस बनाने में, कोई भी नहीं था वहाँ पे नीचे इधर ही ढलान में, बट इसने मेरी वीडियो भी नहीं बनाई, बट फोटो बहुत अच्छी निकाली, तो कोई बात नहीं। सो हम आए हैं भाई के घर पे, ये अंकल हमारे, इनके पास ही रहती है हमारी भाई। हम आए हैं भाई से मिलने। भाई हमारी सोई हुई है, भाई के लिए प्रसाद लेके आई मेरी दादी, नहीं है बुआ साटे, नहीं है भाई मुझे पहचानने से गलती कर रही भाई, दे मैंने ओळखी नहीं है। यो अनु भाई मु दीपेश री बहन, ये सिस्टर और ब्रदर। तू चुप रह, बावलो कमण। तबीयत सही नहीं है भाई की हमारे, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। फोटो पाड़े ले जा रहे हो अंकल जी रो, बाय अंकल जी, चलो। वाह, मटके ऐसे मटके बनाते हैं हमारे अंकल, ऐसी मूर्ति। हाँ, लिदो। सुपर दादी से मिलके आ गए हम लोग घर पे, और दादाजी ने खाना नहीं खाया था। घड़ी भी बज रही है 8:30, और अब हम पहुँचे हैं घर पे पैदल यात्रा करने के बाद में। और मैंने बनाई है यहाँ पे दादाजी के लिए खिचड़ी फ्राई की है, क्योंकि दादाजी मेरे नहीं आए थे खाना खाने के लिए, बिकॉज ऑफ आज संडे था, तो उनको पूजा करनी थी मंदिर में, तो मैंने अब उनके लिए बनाई है, और उन्होंने वेट किया। हम लोग चाबी भी यहाँ पे भूल के चले गए थे, तो दादाजी को पता नहीं था कि कहाँ है चाबी, और मम्मी बना रही है राब। तो ये बना रही है मम्मी, बना रही है यहाँ पर आप, और अंधेरा आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है अभी।